मुस्लिम राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से एक ब्राह्मण उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनावों के आज दूसरे चरण के परिणाम आ रहे हैं, जिसमें ओवैसी की पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे असुद्दीन ओवैसी को मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में सफलता मिलती नजर आ रही है। हाल ही में ओवैसी ने मध्य प्रदेश नगरी निकाय चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें पहले चरण में ओवैसी की पार्टी ने बुरहानपुर और खंडवा नगर निगम में एक एक सीट जीतने में कामयाबी हासिल की थी। वही दूसरे चरण के परिणामों में खरगोन नगर पालिका में ओवैसी को कामयाबी मिलती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक खरगोन नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 से AIMIM की प्रत्याशी अरुणा श्याम उपाध्याय, वार्ड क्रमांक 15 से शकील खान और वार्ड क्रमांक 27 से शबनम अदीब ने जीत हासिल की है। और खरगोन नगर निगम में ओवैसी के लिए यहां भी एक बड़ी सफलता है कि उन पर मुस्लिम राजनेता होने का आरोप लगता है, लेकिन उनकी पार्टी से एक ब्राह्मण प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी और असुद्दीन ओवैसी के AIMIM का बढ़ता वर्चस्व कांग्रेस के लिए संकट पैदा करेगा।